खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मिटफेड और आज हम बात करने वाले हैं बड़े पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के कोलैब के बारे में। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि रहीम परदेसी और जैद अली कोलैब करने वाले हैं और वाकई में उन्होंने कोलैब किया और उन्होंने अपने दोनों चैनल्स पे वीडियोज अपलोड की जो कि इस वक्त दोनों ही ट्रेंडिंग सेक्शन में गई हुई है। आप लोगों में से काफी लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, वो तो मुझे पता चल रहा था क्योंकि यूट्यूब जो है उसमें एक मसला चल रहा था जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हर चैनल की वीडियो सब फीड में नहीं आ रही थी और रेकमेंड नहीं हो रही थी उनके सब्सक्राइबर्स को। लेकिन इसलिए मैं ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं Q&A की अनाउंसमेंट कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर मैंने Q&A की अनाउंसमेंट की हुई थी। तो पहले कोलैब की बात कर लेते हैं। तो आप लोग में सबने कोलैब तो देखा ही होगा जिसके अंदर सिर्फ रहीम परदेसी और जैद अली नहीं थे बल्कि डक्की भाई भी थे और दूसरी वाली वीडियो में तैमूर सलाउद्दीन भी थे और इसके अलावा शामीर अब्बास शाह भी इनके साथ थे शूटिंग के दौरान। तो मैं आप लोगों को वो क्लिप दिखा देता हूँ। तो इट्स अ गुड थिंग क्योंकि कोलैब से ऑटोमेटिकली ऑडियंस एक्सचेंज होती रहती है जिससे यूट्यूबर्स और ऊपर जाएंगे विच इज ऑटोमेटिकली गुड फॉर यूट्यूब पाकिस्तान। तो बस अब ये टॉपिक पूरा हुआ, अब इस वीडियो के मेन मकसद पे आते हैं। एक्चुअली मैं नेक्स्ट वीडियो एक Q&A वीडियो प्लान कर रहा हूँ। तो Q&A तो आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है, आप लोग उसमें मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उनके आंसर करूंगा। तो मैं आप लोगों को पूरा तरीका समझा देता हूँ कि आप लोग मुझे अपनी वीडियो सेंड करें जिससे आप लोग भी मेरी वीडियो में फीचर हो जाएंगे और मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। और वीडियो आप मुझे दोनों इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सेंड कर सकते हैं, इसके अलावा जरूरी नहीं है आप अपनी वीडियो ही सेंड करें, आप लोग मुझसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिए हुए हैं। तो आप लोग उन पोस्ट के नीचे जाके लिख सकते हैं जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछने हैं। तो अब देखते हैं कितने लोग वीडियो सेंड करेंगे और कितने लोग वैसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। तो मैं मिलता हूं तुम लोग से अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।